हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आपके अपने चैनल इन्फ्लुएंसर में आप लोगों का दिल से स्वागत है। उम्मीद करती हूं आप लोग जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी आगे मैं नहा कर और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजा, यार 1:30 बज चुका है और अभी मैंने लंच नहीं किया। मैंने सोचा कि चलो अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। और ये देखिए ईशू क्या कर रही है। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी के और वाइप्स वगैरह का पैकेट रखा हुआ है, तो वो ईशू निकाल के फेंक रही है। और ईशू का तो लंच हो गया है, मेरा हुआ नहीं है। और आज मैंने लंच में बनाया है मटर आलू की सब्जी और चावल बनाया है, रोटी नहीं बनाई है क्योंकि मुझे रोटी बनाने में ना काफ़ी आलसी आ रही थी। और वैसे भी अकेले रहना तो बिल्कुल भी रोटी बनाने का मन नहीं करता। और वैसे भी पता है जब मैं अकेले रहती हूँ ना तो भूखी ही रह जाती हूँ, बिल्कुल मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता, बनाने का ही मन नहीं करता। समझ में नहीं आता अकेले अकेले क्या बनाऊँ। और ईशू यदि ईशू के लिए जैसे ओट्स हो गया कुछ भी ऐसे बना के दे देती हूँ, बट आज मैंने बनाया है सब्जी और चावल। तो ये देखिए लंच में बना है मटर आलू और चावल, चावल बनाया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर कचरा ये ईशू ने करके रखा है। और अभी जस्ट मैंने घर को क्लीन किया था और ये देखिए, एक मिनट मैं ब्राइटनेस बढ़ाती हूँ। और ये देखिए, आप लोगों को लगेगा या फिर किसी को भी लगेगा कि मैं घर को बिल्कुल साफ नहीं करती हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए ईशू ने फैला के रख दिया, अभी जस्ट मैंने उठा के ऊपर चढ़ गई थी एकदम यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर मैंने लंच रखा ना बेटू, मैं खिला रही हूँ ना तो ऊपर चढ़ हाँ दे रही बेटा, दे रही दे रही। तो यहाँ पे मेरा लंच हो गया है और अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि खाना बहुत सारा फैला दिया था ईशू ने। और आजकल मेरी हैबिट बन चुके हैं, मैं दिन भर झाड़ू लगाती रहती हूँ, मुझे घर गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए ईशू अपना खेल खेल रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि खेल खेलने का है। देखिए अभी जस्ट मैंने साफ किया था और मैडम ने पता नहीं क्या ला लिया है, बैग है और मतलब कैरी बैग है और पता नहीं क्या क्या नहीं ला लिया है। तो ऐसे ही मेरे घर में दिन भर वही मैं 10 बार उठाती हूँ और 10 बार ईशू लाती, यही काम चलता रहता है। और बस यहाँ पर लंच के बाद मैं किचन वगैरह थोड़ा सा साफ कर लूँगी और ये सिंक मुझे साफ़ करना था उसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। और इस ब्रश से तो मुझे साफ़ करने में बहुत मज़ा आता है। और हाँ, ये मैंने कुर्ती वेयर की, इसकी जो मतलब स्लीव्स है थोड़ी लूज़ लग रही है ना, पूरी कुर्ती थोड़ी सी मुझे ना लूज़ होती है और स्लीव्स भी मुझे लूज़ होती है, तो मैं सोच रही हूँ कि स्लीव्स वगैरह इसकी ना फिटिंग करवा लूँगी। और वैसे पता है मुझे ना लूज़ कपड़े ही ज़्यादा वेयर करना पसंद है क्योंकि मैं ज़्यादा फिटिंग के कपड़े ना नहीं पहन पाती, मुझे अजीब सा लगता है। वैसे भी गर्मी के दिन आने वाले हैं तो उस समय तो बिल्कुल भी फिटिंग वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। और बस यहाँ पर दे दूँगी मैं पानी, ये देखिए कितना गंदा हो गया ना, इसे भी साफ़ करना है मुझे। और ये देखिए बहुत सारे गुलाब है जो कि एक ही कलर के है। और यहाँ पर दीदी है, मीन्स की नंद है, उनका कॉल आया था और मैं मतलब शूट भी कर रही थी और उनसे ना कॉल पे बात भी कर रही थी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो भी उनसे बात कर रही हूँ वो रिकॉर्ड हो रही होगी, बट नहीं हो रही थी। गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग उठे सोकर, मैं इसके सोए नहीं थे, लेटी थी, ईशू सो गई थी और ईशू बहुत जल्दी उठ गई है। और अभी 4:45 बजे है तो मैं सोच रही हूँ उठ जाती हूँ, कपड़े ला लेती हूँ अंदर जो कि बाहर सूख रहे हैं, नहीं तो बंदर पूरे ख़राब कर देंगे। और चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ अच्छी सी और ईशू के लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। फिर रेडी होना है, रेडी क्या होना है, बस जैकेट ही पहनना है क्योंकि मेला पास में है और वैसे भी अच्छे कपड़े मेले में पहन कर क्या जाना है क्योंकि वहाँ पर तो कोई देखता भी नहीं है कपड़ों में, इतनी भीड़ रहती है ना। बस कंघी वगैरह थोड़ा सा कर लूंगी और एक मिनट आ रहा है।
मेरी फ्रेंड का कॉल, मैंने अभी जस्ट उसको फोन किया था तो बात नहीं हुई, तो चलिए मैं उससे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पर आ गए ये छोटे छोटे बच्चे, मींस के प्रियांश है, मिस्टी है, व्योम है। और व्योम पहले हमारे ब्लॉक में ही रहता था, बट वो दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट हो गए हैं, मींस की जो यही लोगों की कॉलोनी होती है ना उधर साइड, वो लोग शिफ्ट हो गए हैं। और बस वो आ जाया है घर पर, मींस की मिस्टेक यहाँ पर आया था और उसकी और जो साइड वाली दीदी है वो लोग गए हैं मेला, तो यहाँ पर मतलब ऐसे मिस्टेक लेकर आई थी। और फिर मैं जा रही हूँ मेला, आपको तो पता ही है रोज़ मेरा वही काम है, मेला घूमना, कुछ भी सामान खरीदना। वैसे मैं कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं खरीदती, बट हाँ छोटा मोटा जो भी मुझे लगता। और ये देखिए जो बांस का बना हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा। बट मैं सोच रही हूँ क्या करूँगी लेके, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं ले चुकी हूँ ना, मीन्स की समझ में नहीं आता, बट देखूँगी, मन करेगा तो मैं ज़रूर लूँगी। तो हम लोग आ गए हैं मेले से, और देखिए मेरा भी पूरा मेकअप उतर गया ना। वैसे मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मैं इसकी लिपस्टिक लगाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि लिपस्टिक और बिंदी लगाने से और काजल लगाने से है ना, इससे ही मैं अच्छी लगती हूँ। मतलब हर लेडी जो होती है काजल बिंदी और लिपस्टिक लगाने से अच्छी लगती हूँ। वैसे तो बिंदी लगाना मुझे पसंद नहीं था पहले, शादी के पहले मैं कभी भी नहीं लगाती थी, बट अभी शादी के बाद लगाती हूँ। और जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ ना, तो जो मेरी मतलब मैं अच्छी नहीं दिखती, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए ये हो गई मेरी बातें और मेले से क्या क्या लाया है। जैसे कब मेला गई हूँ तो सामान कुछ लिया ही होगा, तो वही मैं तो देखिए ये पॉट लेकर आई हूँ। मुझे ये पॉट सच बताओ उतना अच्छा नहीं लगा, बट अगर मैं अभी नहीं लेती ना तो मैं बाद में भी नहीं ले पाती, क्योंकि फिर लेना मुश्किल हो जाता है, ऐसी चीज़ें तो मुश्किल ही हो जाता है। तो इसलिए मैंने पॉट ले लिया, मैंने लिया है और मेरी जो नंद है उन्होंने लिया है। और ये फ्लावर तो मेरे पहले ही रखे हुए थे, तो मैं अभी मैंने निकाले, उनको दिखा रही थी कि मैंने ये वाले लिए हैं, तो ये फ्लावर लिए थे। और ये देखिए बस थोड़ा मोटा सामान, मतलब थोड़ा छोटा मोटा सामान ये लिया है। ये देखिए ईशु की मतलब वही बाथिंग बार वगैरह रखने के लिए, और ये ब्रश लिया डस्टबिन साफ करने के लिए, और ये देखिए मिक्सर लिया है मैंने। मैं सोचा कि क्या बनाऊंगी, पाव भाजी बनाऊंगी तो उसे मैस करने के लिए, तो ये लिया है बेटू नहीं। और ये एक छोटा सा कप ले लिया है मैंने ईशु के लिए, छोटा सा ये कप, एकदम अच्छे से नहीं दिख रहा क्लियर, एक मिनट दिखाती हूँ। ये बस प्लास्टिक का है, मैं प्लास्टिक का इसलिए लिया क्योंकि ये चीनी मिट्टी का मैं ले नहीं सकती थी, क्योंकि फूटने का डर लगता है ना, इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। अब बाबा लग गया इशू मुझे जोर से, लग गया लगता बेटा लोहे का है, इशू ने मार दिया। और क्या लिया है बस, और एक पोस्टर लिया है मैंने, और कुछ नहीं लिया है बस इतनी चाहिए। और ये ले लिया है मैंने, वैसे तो मैं यूज़ नहीं करती ये, पर दीदी ने रख लिया तो मैं सोचा कि चलो यार मैं भी रख लेती हूँ। और ईशु भी मुझे मार रही तो जोर से मार दिया, ये देखिए इससे मार दिया मुझे ईशु ने, इससे मार दिया ईशु ने इतने जोर से। हाँ मारो तुमको, मारो नहीं मारती, इससे मार दी जोर से, कान पर लग गया सच में। तो चलिए अभी डिनर का टाइम हो गया यार, 9:15 हो गए, और थोड़ा फ्रेश होती हूँ। ओ ईशु कितना मार रही हूँ, क्या हो रहा है, मसाज हो रही है क्या हो रहा है ईशु, क्या हो रहा है बताओ ईशु, मेरे को चुला दो ना, मुझे नींद नहीं आ रही है, चुला दो ईशु, मुझे मेरे मम्मा की याद आ रही है, मुझे चुला दो प्लीज, चुला दो ईशु की गोदी। नहीं मुझे मैं कहाँ सो जाऊँ, नहीं मुझे ईशु की गोदी में सोना है। हाँ। मेरे को सोना है। हाँ? ये कहाँ सो, मेरे सर की मालिश नहीं करेगा, नहीं करेगा, पैसे चाहिए पैसे, मैं नहीं समझता नहीं। सो दोस्तों अभी हम लोग का डिनर हो गया है, ईशु ने क्या किया डिनर में, क्या किया, तो अभी हम लोगों का डिनर हो गया है और मैंने वही खाया जो कि लंच में बनाया था, क्योंकि बहुत सारा चावल बन गया था, फिर सोचा क्या बनाओ, आलसी आ रही थी, सब्जी भी वही रखी थी क्योंकि मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया था। और अब
भी हाँ इशू को मैंने बना दिया था, क्या बना दिया था, हाँ ओट्स बनाए थे इशू के लिए, ओट्स और आलू फ्राई कर दिया था और बस इतना ही, ओम मिल्क वगैरह इशू ने पी लिया, मैंने अभी पिया नहीं क्योंकि मेरा पेट काफ़ी भरा हुआ है और बहुत सारा मैंने आज खाना खा लिया। मैंने सोचा क्या फेंकू यार, फेंकना नहीं था क्योंकि मैं ऐसा खाना बहुत मतलब वेस्ट हो जाता है मेरे से। तो चलिए हम लोग इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। अगर जो भी चैनल पर नहीं आए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, किच्ची दे दो बाय।